इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी अपन एक्स डायरेक्शन में करेंगे, तो डीवी क्या हो जाएगा, माइनस ई एक्स डी एक्स ना। वाई जेड में फील्ड हैवी नहीं और डिस्प्लेस भी नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल बन गया। क्या कर रहे हो इसमें इतना टाइम लगाओगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? वन माइनस कॉस थीटा। क्या था भाई थीटा तुम्हारा? क्या है थीटा बताओ? एक्स वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो क्या रहेगा भाई, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेंट डी वी इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेंट वन माइनस एक्स वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ भाई x इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है? x इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना है? ज़ीरो। इन्फिनिटी पे ज़ीरो मानते हैं, रेफरेंस ले रखा है ना। और x इक्वल टू किसी x पे निकालना है, वहाँ पे पोटेंशियल v मान लेते हैं, किसी x पर पोटेंशियल v मान लिया और इसको इंटीग्रेट कर लो। अभी करा इस फंक्शन को, अभी इंटीग्रेट करा था हमने, कर लिया इंटीग्रेट। तो क्या गया तुम्हारा, v माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन x हुआ dx है ना, और इसका इंटीग्रेशन अभी अपन ने करा था x dx बाई दिस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर लो, देखो सीधी बात है ना, ये जो मैंने फंक्शन लगाया इसको डिफ्रेंशिएट करो, वापस यही फंक्शन बन जाएगा तुम्हारा, सही है इंटीग्रेशन। एक्स माइनस लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से एक्स पर। इसको इंटीग्रेट, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये चीज़ बन जाएगी। अब लिमिट रखो, लिमिट कैसे रखोगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट तुम्हारी इन्फिनिटी है, अब कैसे करें बताओ? तो इसको करने से पहले मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जब मैथ्स का वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब इसको सॉल्व कर पाओगे तुम। तो क्या है भाई, अब हम फिजिक्स में आगे पढ़ें, उससे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे को। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर बताओ। समझ रहे, इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आ रहा है ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेट होता है, इट्स नॉट ज़ीरो। कैसे करें इसको सॉल्व, दौड़ाओ दिमाग के घोड़े। तो आंसर बता दो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आंसर बताओ फाइनल। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना, अलग अलग दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आ सकते हैं, तीन चार तरीके बता दो तुम लोग। तुम्हें क्या करना है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है उसको इंडिटर्मिनेंट फॉर्म से हटा के नॉर्मल कुछ बनाओ है ना, जहाँ से श्योर शॉर्ट आंसर आ जाए। बताओ क्या तरीका है तुम्हारा? रैशनलाइज कर दिया तुमने, हाँ ये आ गया, ठीक है सही है। और बताओ, और कोई तरीका नया बताओ, वो तो उसने बता दिया, कुछ और बताओ नया भाई, इसलिए बोलना नहीं चाहिए तुम्हें, समझ रहे हो? जब तुम बोल देते हो ना तो बाकियों का दिमाग उसी एक डायरेक्शन में जाने लगता है, वरना यहाँ पे अभी तीन चार सॉल्यूशन निकल के आते। सॉरी बोलो सबसे, बताओ जल्दी जवाब दो भाई, हाँ बता दो क्या करा है। ठीक है चलो देखते हैं भाई, करते चलते हैं ना, अपन करते हुए चलते हैं, देखते हैं। तो ये बोल रहे भाई अथर्व मेथड है, अथर्व तो राइटिंग मेरी गंदी है, हाँ बताओ भाई क्या है। एक्स माइनस एक्स को कॉमन निकाले हैं, एक्स को कॉमन निकाले ना, ठीक है एक्स को कॉमन निकाल लेते चलो। तो एक्स को कॉमन निकाला, वन माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आगे क्या करें, क्या लगा दें?
हाँ बाइनोमियल लगा सकते हैं क्योंकि भाई x बहुत बड़ा है, समझ रहे हो? तो ये वाली चीज क्या है, बहुत छोटी है, ये रूट को तुम क्या लिख सकते हो, पावर हाफ, और ये x बहुत बड़ा है तो बाइनोमियल लगा देते हैं, देखते हैं आगे जाके कुछ होता है क्या। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x 1 माइनस, और 1 तो वैसे ही रह जाएगा, हाफ ऑफ ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और माइनस 1, इससे ये कट गया। तो ये तुम्हारा आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस 1 बाई 2 ए स्क्वायर बाय एक्स, और अब तो ये क्लियर दिख रहा है भाई, x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये 0, अब कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बन रहा, 0। बैठो, देखो आया ना उसके दिमाग में एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आया बिल्कुल अलग। और बताओ एक इसका तरीका है, ये समझ में आया सबको? यहीं पे इग्नोर मार दे, नहीं वहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाएगी, चलो इसको इग्नोर मार दो। तो 1 माइनस 1 बन गया, 1 माइनस 1 क्या है, 0, 0 इंटू इन्फिनिटी, अगेन एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तुम्हें पता है ना इंडिटर्मिनेंट फॉर्म तो पता है ना, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पढ़े भूत, 0 बाई 0, अरे ऐसे गैस मारो ना, ऐसे याद थोड़ी ना, ऐसे आ जाते हैं दिमाग में, बताओ 0 बाई 0 हो गया, और बताओ, हाँ सोचो जिनके सॉल्यूशन नहीं निकल सकते, खुद सोचो, क्रिएट करो ना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और ये बताओ मत, है ना यार 1 बाई 0, 1 बाई 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इट्स नॉट इनडिटर्मिनेंट, इनडिटर्मिनेंट और नॉट डिफाइंड में फ़र्क होता है ना, नॉट डिफाइंड मतलब मैथमेटिक्स फेल हो गई, मैथमेटिक्स मीनिंगलेस बन जाती है वहाँ पे जाके, कोई मीनिंग ही नहीं बनता उस चीज़ का, क्या दैट इज इन्फिनिटी, ये तो डिफाइंड है। इनडिटर्मिनेंट मतलब वो एक पर्टिकुलर फॉर्म उस समय इनडिटर्मिनेंट है, तुम उसको इधर उधर करके एक नॉन फॉर्मेट में ला सकते हो। कैलकुलस कुछ भी नहीं है, कैलकुलस एक तरीका है इनडिटर्मिनेंट चीज़ों को सॉल्व करना। हाँ माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चलो ये भी सही है, और बताओ ऐसे चलाओ यार, कुछ भी पावर आवर लगा, कुछ भी गैस तो मारो, चलो तुम बताओ लास्ट में, बैठो तुम बताओ तुम, हाँ क्या नाम है तुम्हारा, क्या श्रेया, श्रेयस, ठीक है भाई बताओ, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है, बेकार हो गए गैस, नमन बताओ चलो इन लोगों को, बताओ जल्दी बताओ क्या होगा, ऐसे गैस मारते हो, चलो ना नहीं बता सकते ना, इन्फिनिटी इंटू 0, 0 पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी, क्या हो गया, गलत है क्या कुछ, इन्फिनिटी पावर 0, हाँ इन्फिनिटी पावर 0 बन हो सकता है, ये शायद इंडिटर्मिनेंट नहीं है, और 0 पावर इन्फिनिटी, अरे अपन निकाल रहे हैं ना, अपन को भी पता नहीं है, अपन लिखते तो चलो 0 बाई इन्फिनिटी तो 0 है, इन्फिनिटी बाई 0 इज इन्फिनिटी, 0 बाई, ये दोनों हो चुके, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ये तो देखो पक्का है, ये भी पक्का है, ये भी पक्का है, ये भी पक्का है, ये भी पक्का है, और ये भी पक्का है, 1 पावर इन्फिनिटी 1 होता है, हाँ ये तो 1 होगा यार, क्या नहीं होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू, एनीथिंग लेस देन 1 पावर इन्फिनिटी इज 0, एनीथिंग ग्रेटर देन पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, पर ये तो एग्जैक्टली 1 होगा यार, ये तो इंडिटर्मिनेंट नहीं है, हटो, और इन्फिनिटी इंटू 0 तो भाई जब अपन इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं ना तो उनका मतलब होता है ये टेंडिंग टू क्वांटिटीज होती हैं, ये एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट इन्फिनिटी तो कुछ होता ही नहीं है, और जब हम 0 लिख रहे हैं ना वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता है, जैसे 1 बाई 0 और 1 बाई एक्स वेयर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, ये लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 बाई एक्स क्या होगा, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है ना तुम्हारा, प्लस वो डिपेंड करेगा कहाँ से जा रहे हो तुम, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड नहीं है, मैथ्स में इसका मतलब है
ये क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, एक्स टेंड कर रहा है, पर 1/0 ये नॉट डिफाइंड है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसी तरह से जब तुम इनडिटर्मिनेंट लिख रहे हो, यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, इनमें से एक भी चीज़ जीरो नहीं है, हर एक चीज़ क्या है, टेंडिंग टू है, तो इसलिए 1/∞ भी तुम्हारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आता है, बिकॉज दिस इज नॉट एग्जैक्ट वन। एग्जैक्ट वन पावर इन्फिनिटी अनडाउटेडली वन होगा, इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट जीरो जीरो होगा, समझ में आ रहा है? पर ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये क्या आएगा तुम्हारा, जैसे यहाँ पे आ रहा था एक्स इंटू जीरो का फॉर्मेट बन रहा था ना, ये लिमिट को टेंड करवा रहे हो, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट जीरो थोड़ी ना है, एक्स जैसे जैसे इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये वाली क्वांटिटी कहाँ टेंड कर रही है, जीरो। तो इंडिपेंडेंट फॉर्म इन चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये सारे टेंडिंग टू क्वांटिटीज हैं, आया समझ में? ठीक है, तो ये भी अपना है 1/∞ भी इंडिटर्मिनेंट है, क्योंकि दैट इज नॉट एग्जैक्ट वन, जीरो पावर जीरो तो है ही, इन्फिनिटी पावर जीरो ये तो वन को हर तरफ से वन को ही टेंड कर रहा है ना, चाहे जीरो है ना, ये तो नहीं है इंडिटर्मिनेंट। और कौन सा बचा, जीरो पावर इन्फिनिटी है ना, क्योंकि जीरो से हल्के से बढ़ाओ, जीरो पावर इन्फिनिटी तो डिफाइंड है यार, वो तो जीरो ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो और कौन सा है फिर सेवेंथ? अब देखो दो बचे, इन दोनों में से कोई एक नहीं होना चाहिए, सोचो, ये या तो इन्फिनिटी पावर जीरो या फिर जीरो पावर, देखो जीरो, अगर 0.1 पावर इन्फिनिटी कितना होता है, 0.1 पावर इन्फिनिटी इज जीरो, माइनस 0.1 पावर इन्फिनिटी इज जीरो, इज अगेन जीरो, तो जीरो पावर इन्फिनिटी तो हर तरफ से जीरो को जा रहा है ना, मैं एक्स नहीं मान रहा हूँ इसको, है ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो मान रहा हूँ, तो ये तो हर तरफ से जीरो ही जा रहा है ना, तो ये तो डिफाइंड हो गया है, इन्फिनिटी पावर जीरो मेरे ख्याल से नॉन इंडिटर्मिनेंट है ना, ये तो डिफाइंड हो रहा है इन्फिनिटी पावर जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे तुम कोई पावर चढ़ा रहे हो जो बहुत छोटी है, हाँ ये इंडिटर्मिनेंट है ना, वो देखो ये ना, ये अपन लिखते थे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स पावर 1/x, वही तो बन गया ये, जैसे जैसे एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है ये कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा रहा है, तो इन्फिनिटी पावर जीरो तुम्हारा अगला इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसकी वैल्यू तुम डिफाइन नहीं कर पाओगे, जीरो पावर इन्फिनिटी तो जीरो है, वो डिफाइंड है तुम्हारा, ये डिफाइन नहीं हो रहा है, तो यही तो फिर हम डिफाइन करते हैं, 1 + x पावर 1/x क्या बन जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x पावर 1/x, अरे ई नहीं बनता था क्या, अरे बनता तो था, ऐसा नहीं था क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x पावर x, क्या हो जाता तुम्हारा, ई बन जाता है, ये बताया था तुम लोगों को एक बार क्लास में, बताया था ना, नहीं बताया, चलो वही चलो बकवास में, तो निकल गए ना अपने साथ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, तो अदर मेथड हो ही गई है, इसकी मेथड रेशनलाइज है, तुम्हारा क्या नाम है, भवनीत, ठीक है, तो वो रेशनलाइज कर लोगे खुद से, उससे भी आंसर आ जाएगा, चलो ठीक है ना, चलो एक मेथड से और हटा दो, और एक मेथड से और कर, चलो भवनीत मेथड से करते हैं ना, मेथड नंबर भवनीत, यही नाम है, ठीक है, रेशनलाइज कर दो इसको, है ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा, एक्स प्लस रूट ऑफ, समझ में आया तुम लोगों को, ऊपर नीचे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अब देखो अब तो सीधा सा आ गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये क्लियरली भाई एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा तो नीचे इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये कहाँ जा रहा है, जीरो, तो अभी कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, तो दो मेथड्स आ गए तुम लोगों ने एक तरह से क्रिएट करिए ना, और भी कोई मेथड बता सकते हो, सोचना, एल हॉस्पिटल वगैरह लगा के भी हो जाता है, पर यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है क्या, बढ़े आगे, ठीक, तो भाई उसके लिए अब वापस आ जाते हैं फिजिक्स पे, तो लिमिट सकते हैं हम यहाँ पे, तो वी क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिग्मा बाई 2 ε0 एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इन्फिनिटी रखेंगे इस पे तो क्या बन रहा है, ये जीरो, ये हमने अब चेक कर लिया है, तो पोटेंशियल आ रहा है अपना
ये माइनस भी था ना बाहर, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सिक्स, यही आया था पिछली बार भी। तो हमने देखो दो अलग मेथड है ना, और दोनों बिल्कुल अलग अलग है, एक में रिंग मान के कराता, दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते से गए और सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो मैं ये बोलता हूँ फिजिक्स में ये करना होता है हमको, सेम चीज़ अलग अलग मेथड और अलग अलग तरीके से सॉल्व करो, हर एक से आंसर निकालो, तब जाके कंसेप्ट बिल्कुल ढंग से क्लियर होते हैं। बैठो।